महामिलावट वाले सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सारे एक ही काम में जुट गए हैं, मोदी को गाली दो, गाली दो, गाली दो। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मोदी के लिए उनके मुंह से गाली नहीं निकलती है। ये छह चरणों के चुनाव के बाद के माहौल की बौखलाहट है। हार की हताशा साफ साफ दिख रही है। भाइयों और बहनों, मैं इनकी गालियों को उपहार मानता हूं। इनकी गालियों का जवाब मोदी को नहीं देना पड़ेगा, ये जनता जनार्दन पूरे हिंदुस्तान की जनता कमल के निशान पर बटन दबा करके हर गाली का जवाब देने वाले हैं। नया टीवीएस रेडियो जियो बुलंद बढ़ो बुलंद। मैं तो मां बहनों और बेटियों के सम्मान में खड़ा हूं। मैं गरीब के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खड़ा हूं। मैं समाज की आखिरी पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको सशक्त करने के लिए जुटा हूं। भाइयों और बहनों, इसी हताशा में अब ये महामिलावटी लोग पूछ रहे हैं कि मोदी की जाति क्या है। साथियों, ये बुआ बबुआ दोनों मिलकर जितने साल मुख्यमंत्री नहीं रहे उससे कहीं ज्यादा समय मैं गुजरात का सीएम रहा हूं। मैंने अनेक चुनाव लड़े भी हैं और लड़ाए भी हैं, लेकिन कभी अपनी जाति का सहारा नहीं लिया। मैं पैदा भले ही अति पिछड़ी जाति में हुआ हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य हमारे इस हिंदुस्तान को दुनिया में अगड़ा बनाने का मेरा लक्ष्य है। भाइयों बहनों, अभी योगी जी बता रहे थे मेरे दिमाग में जाति नहीं है, मेरे जहन में जाति नहीं है, इसलिए घर भी जाति पूछ करके नहीं दिया, गैस का चूल्हा भी जाति पूछ करके नहीं दिया, शौचालय भी जाति पूछ करके नहीं दिया, और इसलिए वोट भी जाति के नाम पे नहीं मांग रहा हूं। भाई, न देता जाति के नाम पर हो, न लेता जाति के नाम पर हो, मुझे तो मेरे देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है, इसलिए वोट भी देश के लिए मांगता हूं। भाइयों और बहनों, ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरे दिल की आवाज है जो आज मैं बलिया में आपसे कहना चाहता हूं। जयश प्रकाश नारायण की जहां छाया हो उस धरती से कहना चाहता हूं। बहनों, मैं नहीं चाहता
कि आपकी संतान आपकी तरह पिछड़ी हुई जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो। मैं नहीं चाहता कि आपकी संतानों को विरासत में पिछड़ापन मिले। मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चों को विरासत में गरीबी मिले। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस दयनीय स्थिति को मुझे बदलना है और इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी ये काम कैसे कर पाएगा, इतने बड़े बड़े सपने कैसे कर पाएगा, इतने सारे प्रधानमंत्री आकर के गए नहीं कर पाए, मोदी कैसे कर पाएगा। भाइयों बहनों, मैं ये काम इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि मैं आपके बीच में से निकल करके आया हूं। मैंने गरीबी को, पिछड़ेपन को भुगता है। जो दर्द आप आज सह रहे हैं वो मैंने खुद से सहा है। मैं, मेरा पिछड़ापन मेरी गरीबी दूर करने नहीं, आपके लिए जीता हूं, आपके लिए जूझता हूं। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस परिस्थिति को बदलने में हम सफल होंगे।